हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। ए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो हम आज पहुंच गए हैं 54th डे पे अपने सेल्फ स्टडी प्लान के। शुरू करने से पहले जो इस वीक का आपका मेजर टास्क है उसको एक बार देख लेते हैं। करंट अफेयर की बात करें तो आपने सितंबर 2019 तक होपफुली करंट अफेयर कवर कर लिए हैं। जो इस वीक आपने करंट अफेयर करने हैं वो हैं अक्टूबर 2019 के। सो ये साथ साथ अपने बात ध्यान में रखनी है और करंट अफेयर फॉलो करने हैं। क्विकली शुरू करते हैं थॉट ऑफ द डे से। जॉन मुयर की ये थॉट है, द क्लियरेस्ट वे इन टू द यूनिवर्स इज थ्रू फॉरेस्ट वाइल्डरनेस। काफ़ी अच्छी थॉट है क्योंकि आज हमने फॉरेस्ट का पार्ट पढ़ना है, इसलिए ये थॉट थी। सो आज 54th डे है, ज्योग्राफी का दिन है, जैसे कि आज मंडे है। सो क्विकली टॉपिक देख लेते हैं जो आज आपने कवर करने हैं। इंडियन ज्योग्राफी हम कर रहे हैं, उसमें टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एज ए रिसोर्स। उसमें आपने देखना है कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट हैं और जो भी जितने भी फॉरेस्ट हैं, पहले तो आपने देखना है कि स्पेसिफिक एरिया वो कहाँ कहाँ वो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जो उनके इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं उनके आपने नाम भी देख लेने हैं और उनका यूज़ क्या क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए। एज सच अभी कुछ इतनी याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एक बार बेसिक आइडिया होना चाहिए। उसके बाद एक टर्म है सोशल फॉरेस्ट्री, आपने इसके बारे में पढ़ना है ये क्या है, इसके इम्पॉर्टेंस क्या है, और ये टर्म्स भी आपने देखने हैं साथ ही। उसके बाद रेनबो रेवोल्यूशन के बारे में आपने पढ़ना है कि ये क्या है, क्या इसकी इम्पॉर्टेंस है। उसके बाद अगर बात करें तो इम्पॉर्टेंट इंडियन सिटीज़ एंड टाउन्स ऑन बैंक्स ऑफ रिवर, प्री स्पेसिफिक टॉपिक है, एक बार देख लीजिएगा। लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर प्लांट्स इन इंडिया, नेशनल वाटरवेज इन इंडिया, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है, इसमें रोडवेज, रेलवेज, काफ़ी सारा कुछ कवर हो जाएगा, और मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। ये आपके काफ़ी ब्रॉड टॉपिक हैं और प्री स्पेसिफिक टॉपिक हैं। इसके साथ ही हमारा ज्योग्राफी का, जो इंडियन ज्योग्राफी का जो भी पार्ट था वो हमारा सारा कवर हो जाएगा। ये माइनर टॉपिक्स हैं, प्री में अक्सर ही यहाँ से सवाल देखने को मिलते हैं। सो एक बार आपको ये सारा पता होना चाहिए, इसीलिए ये टॉपिक्स की लिस्ट है। और इसके बाद जो भी टॉपिक आपको लगता है इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे वीडियोस में कवर नहीं हुआ, आपने वो अपने एंड पे देख लेना है। उसके बाद सोर्सेज की बात करते हैं तो नोट्स अगर हैं तो नोट्स ही फॉलो करिए। 11th क्लास की एनसीईआरटी, जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें 11th क्लास लिखा गया था, लेकिन वो 12th क्लास में था वो जो एनसीईआरटी थी, उसमें रिसोर्सेज वाला चैप्टर। सो आप अकॉर्डिंगली ये देखते रहिएगा, जो भी एनसीईआरटीज में, जो भी हमारे कहीं बार यहाँ पर गलत लिखा जाता है, तो जो भी एनसीईआरटीज में वो टॉपिक्स हैं और वहाँ से उसको कवर कर सकते हैं, इंटरनेट तो है ही। उसके बाद ज्योग्राफी थ्रू मैप्स काफ़ी डीप है, प्री के लिए आप फॉलो कीजिए बाद में, अभी नोट्स से ही फॉलो कीजिए या यूट्यूब से वीडियोज़ भी देख सकते हो आप। सो उसके बाद आते हैं मेन एक्ट जो हमारा है, जो लास्ट आज का है वो है क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन है व्हाट इज रेनबो रेवोल्यूशन, अपने इसके बारे में पढ़ना है कि ये क्या है एंड हाउ इट कैन हेल्प इंडियन एग्रीकल्चर, डिस्कस। सो ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है आज। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो पहले आप इसके बारे में सर्च कीजिए और पढ़िए कि क्या है ये, उसके बाद ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। 10 नंबर का ये क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में आपने लिखना है। सो मिलते हैं कल नए सब्जेक्ट और नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।